कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बयान देते हुए कहा है कि सदन से पूरे प्रदेशवासियों को एक उम्मीद रहती है, क्योंकि सदन चलता है तो सदन चलने से पूरे लोगों की उम्मीद बनी रहती है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें किसी तरह की कोई भी सुरक्षा नहीं मिल रही, जबकि शिकायत हमने कई मरतबा की और अंत में हमने सदन में इस मुद्दे को रखा। उन्होंने कहा कि पुलिस पक्षपात की कार्रवाई कर रही है, सत्ता के लोगों का केस पुलिस सुलझा देती है, जबकि विपक्ष में बैठे विधायकों को पुलिस कोई सहायता नहीं दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि सदन में मुझे एक हफ्ते की कार्रवाई का आश्वासन मिला है, अगर एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं होती है मैं या तो अपनी विधायिका से इस्तीफा दे दूंगा या फिर मुझे आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना होगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे पास सदन एक आखिरी विकल्प और मैंने उनसे कही कि 26 तारीख के बाद 26 अगस्त की घटना है और 3 महीने से अधिक समय होने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि एक मंत्री जी के भाई के घर में चोरी होती है वो खोल दी जाती है, एक मंत्री कहता है कि मुझ पर मेरा जानलेवा हमला हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या वो सत्ता के हैं इसकी? अगर विपक्ष के विधायक पे अगर होगा तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? तो ये दोहरा चरित्र है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक सप्ताह का समय सदन में उनको दिया है कि एक सप्ताह में इसका निर्णय दे, और ये मजबूर मुझे इसलिए कहना पड़ा कि भाई अगर मेरी मांग मेरी बात नहीं रखी जा सकती तो मेरी जो जनता है, जिस जनता ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, तो मैं उनके लिए यहाँ कहाँ लड़ा।